में 1 करोड़ बनाते हैं। तो वही वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब थाउजेंड कहाँ पे बोला? यहाँ पे बोला थाउजेंड, हमने यहाँ से बोला थाउजेंड से पहले वाले नंबर लिख लेंगे, यानी कि ए वन और फोर जीरो, वन और फोर, यानी कि 10,000 से मिल करके क्या बनाते हैं? 1 करोड़ बनाते हैं। अब मिलियन, मिलियन के लिए भी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। अब थाउजेंड कहाँ बोला हमने? यहाँ बोला। तो अब थाउजेंड से पहले वाले नंबर्स यानी कि 1 और 000, ये क्या बन के बनाएंगे? यानी कि 1,000 थाउजेंड्स मिल करके क्या बनाएंगे? मिलियन। अब इसी तरह से किसका है? बिलियंस, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। तो अब थाउजेंड कहाँ बोला हमने? यहाँ बोला। तो कितने मिलकर के थाउजेंड मिलकर के बिलियन बनाएंगे? तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 100,000, यानी कि 1 के पीछे 6 जीरो लगाएंगे तो उतने थाउजेंड मिलकर के हमारे क्या बनेंगे? बिलियन। क्या बनेगा? बिलियन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, मीन्स मिलियंस में लिखना है, लाख, करोड़ इनका यूज नहीं करना है। अब है पहले हम इन नंबर को प्लेस बॉक्स में रखेंगे, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000। तो वंस प्लेस पे क्या आएगा? 7, टेंस पे 0, हंड्रेड पे 0, थाउजेंड पे 5, 10,000 पे 4, 100,000 पे 6। अब इन तीनों, यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में 3 नंबर के आगे कोमा आता है, तो इनमें से 3 नंबर को छोड़ के फिर कोमा, फिर 3 नंबर का पेयर, फिर आगे होगा तो फिर 3 नंबर का, तो इसको क्या बोलेंगे? 645, 645,000, इसको क्या बोलेंगे? एंड 7,